उस्ताद विजय लाल जी का उस्ताद रामदेव उस्ताद गाँव का गाँव की हमें ये भी अरे हमें ये भी प्यारा हमें वो भी प्यारा है कोई वीर कहने वाला नहीं है और सम्मानित कमला कवि नौदर के धरती से महाभारत में 4 लाइन भूमिका दर्शाए हैं। हाँ माशा महाभारत की अंतिम लड़ाई है। एक तरफ पांडव एक तरफ कौरव। पांडव के तरफ से केवल यदुवंश के हंस माधव मुकुंद मुरलीधर किशन कन्हैया है। इधर कौरव दुर्योधन के तरफ से पूरे विश्व के वीर समाये हुए हैं और सौरभ के सागर में जाकर सब छिपे हुए हैं। लड़ाई होती है, सूर्यास्त होता है, उसी समय दुर्योधन अपना जान बचाकर भाग जाता है कुरुक्षेत्र के मैदान से। सोच गए कि पांडव हम लोगों की विजय है। पांचों पांडव भगवान कृष्ण के साथ माता कुंती के सामने पहुंचे और जब पहुंचा ये हमारे उस्ताद विजय लाल जी का उस्ताद रामदेव उस्ताद गाँव का गाँव काशी में ना डारा है
पावर दिखावा। लेकिन पांचों पांडव माता कुंती के पास पहुंचे हैं भगवान कृष्ण के साथ। विरह में कितना सुंदर भाव है आवा मास्टर। के मोहने अरे मोहने संग में पांडो माता पासी आए से हटाए पांचों पांडव भगवान कृष्ण के साथ मां कुंती के पास पहुंचे। शोहर कर पांचों बेटा अपने माँ का चरण स्पर्श किए, बोले माँ हम लोगों के मार्ग में जो काटा था वो साफ हो गया और महाभारत की लड़ाई हम लोग जीत लिए। कुंती पांचों बेटवा को आश्चर्यचकित निगाहों से देख रही है। का लाल जीत लेला? अर्जुन गांडू हिला के कहत हो तेरे माँ शंका है क्या? भीम कन्हैया से गदवा उतार के फेंक के कहले कि एकदम शत प्रतिशत हम लोग जीत लिए। कुंती कहती कही कुंती की दुर्योधन को किसन ने मारा है। कही कुंती की दुर्योधन को किसन ने मारा है। सबसे वीर पुत्र तो वही हमारा है, उसी की आज श्याम आरती उतारूंगी। भरत वंश के चिराग को मैं पारूंगी। सभी खामोश हुए बात नहीं आती है, कुंती के हृदय में बेदना सताती है। मैदान चंग में कुर्बत नहीं मिला माता, डर कर भाग गया हमसे हिला माता। कहीं कुंती बोले कैसे विजय तुम्हारी है, कहीं कुंती बोले कैसे विजय तुम्हारी है। अभी तो हस्तिनापुर का छत्रधारी है। कुंती कहलस के पापी कतर पाचो जाकर चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाओ, शर्म नहीं आती है। जिसके चलते पूरा हस्तिनापुर साफ हो गया, बहन बेटियां बहुएं विधवा हो गई, मां का सिंदूर उजड़ गया। वही पापी गद्दार दुर्योधन को छोड़कर चले गए। बता लो पांचों में से दुर्योधन को कौन मारा है? अर्जुन मुड़ी नीचे कैल भीम को देखत हुआ। भीम को तुम भैया तो हमारे समय ना मिले। धर्मराज कथवा की दत्त मर दवा। लेकिन माई कुंती जब ताना मरलस कैसे मरलस? कोई पीर अरे कोई पीर कहने वाला नहीं, शौरम शहीद स्मारक इंटर कॉलेज के वर्तमान प्रवक्ता कक्षा 12 के क्लास टीचर।
आप लोगों के बाबू को उनको प्रणाम प्लगी करता है। कहलो कुंती की पांचों में से कोई वीर कहने वाला नहीं है और गुरु जोय को तूने है मारा अतादा को सैया पर सुलाया है कि गुरु द्रोण को मारकर तुमने रणभूमि में गिरा दिया और भीष्म दादाजी से इच्छा मौत का वरदान था, आपने उनको मारकर रणभूमि में गिरा दिया। अरे काहे चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाओ। और इस महफिल में हमारे रिश्तेदार श्री रुदल प्रधान पशुपुर के धरती से मैं उनको कोट कोट प्रणाम प्लगी करता हूं। जब पांचों बेटवा कुंती माई का बतिया सुनला तो करजवा में ज्वाला धक थे। काजा भारक गुजारिया काजा पकार हो कि माई कुंती कपातिया हो या कहो गई आप हमारे आदरणीय परम श्रद्धेय सम्मानित आप श्याम के संग चलो पांचो भाई गुरुपद के खोज मसाले जलाई अरे भीम के छतिया ज्वाल चाल हो गई अरे भीम के छतिया ज्वाल चाल हो गई और माई कुंती का पानी अपने साथ में लेकर उसी संध्या के समय दुर्योधन को खोजने के लिए कुरुक्षेत्र के मैदान की ओर चले और मसाल जलाकर चले। बाबू भीम मरता नाथ हुए कि हम जानी मरदवा अर्जुन तू मर रहा है अर्जुन कथ हुए कि दत्त मरदवा कहीं गए हम जानी कि तू मरला।
पांचों भाई कुरुक्षेत्र के मैदान को चले और दुर्योधन को खोजते खोजते बाबू अंधेरा हो गया, पूरी रात बीत गई। जब सुबह भोर हुआ उसी जंगल में चरा नाम का बहेलिया दिखाई दिया। भीम कहने कि भैया तनी रुका तो हम पूछी। युधिष्ठिर कहने कि भीम पीछे हटा, हम जाते पूछत है। जाए के युधिष्ठिर बहेलिया से कहने कि भैया ये जंगल में कौनो वीर दिखला हो। बहेलिया जब धर्मराज के मुखार बिन से भैया शब्द सुनलस, दोनों हाथ जोड़ के सर झुका के कहे का हमारे भौज के मन और बिहसी गवनाई सखी बौरलिया माला अरे झवस गई सखी। हमारे उस्ताद बिरहा सम्राट विजय लाल जी गावल, लेकिन नंदलाल रवि जी कहल वैया बिना खेतवा अरे पुरल पर तीरे जोता वैया बिना खेतवा। लेकिन हम गाइला ओइल चैतवा भइल कटिया हो गरिया कुवरे बडाल कैसे लुखा दिया हो गरिया बहेलिया धर्मराज के देखो था तो सर झुका के कहो था क्या कहो था बाबू और कहो तो बहेलिया और झुका के सिरा हो यही सरोवर किनारे और दिखायो पीरा हो यही से चोर खोर भागा जा रहा था मालूम डर कर के चैन से और सिर पे मुकुट था और सर पे मुकुट था चढ़ल ही रवा हो यही सरोवर किनारे कहलस की भैया इसी मानसरोवर के किनारे बहुत बड़ा वीर दिखाई दिया। उसके शरीर के हर एक अंग से ब्लड रुधिर खून बह रहा था। भीम कहले कि बस 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 बस। धर्मराज कहले कि अरे भीम जल्दी हटा यो कुरियार, आज यह त्योहार करनी है कि दोबारा खोजे के पड़ल हो। आई माई हमन के पीरता के पाँच कलंक लगा दिले तोरे वजह से। भीम बेचारू कहां से माने गदा लेके दम भैंसन के लगला पैतरा लेव। सही बात बतला के ब्याधा चला गया अपने धाम। अरे क्षण में पहुंचो भाई पहुंचे माधो मोहन मुकुंद श्याम। ओ जरा नाम का बहेलियो सही बात बताकर अपने घर के लिए चला गया। इधर पांचों भाई यदु वंश के हंस माधव मुकुंद मुरलीधर किशन कन्हैया को लेकर मानसरोवर के किनारे पहुंचे। और उस समय दुर्योधन सरोवर में बैठकर मां लक्ष्मी का पूजा कर रहा था। मां लक्ष्मी पकड़त है पैर करे बेटा बाहर मत जाओ मत जाओ। लेकिन जब भीम गरजत हुआ वो तो शेर है कहां से मानी। शेर जब शेर का गर्जना सुनी तो केतनो साला धरा साई गई उठ जेबे करी।
दुर्योधन उठा लो, लेकिन भीम कैसे कर जा दिया लो। सम्राट विजयलाल का चेला बोला था, गलत है खुंडा। गुरु के ज्ञान से शिष्य समाज में प्रकाशित होता है। आदरी परम सत्य सम्मानित आप चंद्रिका मास्टर या भैया बाबू सबके प्रणाम, यूट्यूबर साथी कमलेश भैया के भी प्रणाम, लेकिन भीम कहला के राम पापी अरे कतार पानी में छुप कर बैठा बाहर। दुर्योधन के कान में आवाज गई, वो तो शेर रहा उठा था, सुन के ललकार उठा बिरतम तमाई, लक्ष्मी जी पकड़े पाव दिया खुतराई, अरे भेमन कहले लगा इन कहले लगा जिनका कलम पाले लगा अंदर गो मनन कर बहना संदेश पानी को सुनकर दुर्योधन मान सरोवर से बाबू पानी टारते हुए चल कुंभी हटाते हुए मान सरोवर से बाहर आया। ऐसा आभास हो रहा है कि भैंसा मड़िया लेके आवत हो, काला तरहवत एकदम कनवछन निकल के जाय के भीम के सामने सिया फुला के खड़ा बल कलश के भीम सुना बच्चा का जानत हुआ कि तुहरा मारी तुहके पियोले हो, तोहरे डर से ना छुपल नहीं आवा आवा हो खदर पक्का कैसे गर्जत हो दुर्योधन गुस्सा में लाल हो के भीम के सामने डटा हुआ है। क्या बात दे रहा हो बोला तेरी योद्धा
के बात भी बात पढ़ावे घर हो और दोनों पहाड़ हो सरवा हमारे बाजू के बल का था लगावे का तू यो भीम कांधा पर कदा लेके का कहना अरे कहा भीम तीर उसके बिरहा पर पत्ती में देख ली जितना मनोबना चल गया अरे कहा भीम तारे के तुझे रगड़ के पकड़ के चढ़ के सीना उखाड़ ले दोनों भुजा पकड़ के चढ़ के सीना पर कि कुल का नाश करा के पापी पैठा तेरे अंदर एक बूदना बनता यह समंदर तू लाज नहीं आती है और पकता पड़ के चढ़ के सीना पर और करता कायर बात हमेशा कह के चढ़ के सीना पर भीम कहले कि तेरे अंदर अगर एक बूद ब्लड रहता तो रण के मैदान से बाहर नहीं भागता रे पापी कंधा कंधा पर कदा लेके भीम कहले सो आवा आला समय कम है भैया बाबू समय आवा भगवान कृष्ण जाए के खड़ा भैला बीच में भीम और दुर्योधन के कहले के भीम दुर्योधन निहत्था है निहत्थे परवार करोगे अरे शेर पीता के ऊपर कलंक साबित हो जाएगा। उसी समय भगवान कृष्ण युधि भेजते हैं सहदेव को कि सहदेव जाओ दुर्योधन के महल दुर्योधन का कवच और गदा लेकर आओ। सहदेव कवच और गदा लेकर आए भीम और दुर्योधन में जब होती है पजनी अरे गदा पर गदा चलो लगाओ। भगवान कृष्ण दूब उखाड़ के इशारा के लिए कि मारा जंघा पर जंघा पर जब भीम मरला तो दुर्योधन गिरल बना है। उसी समय बलदाऊ हौर लेके दौड़े मारने के लिए भीम को भगवान कृष्ण बीच में हाथ जोड़ के कहत हुआ का कहत हुआ बस दू लाइने भैया एकदम इतिहास सारा देखा इतिहास सारा तयखी आओ घर हो देखा इतिहास सारा
बलदाऊ हल ताने हैं भीम को मारने के लिए। भगवान कृष्ण कहने कह रहे भैया मान जा दुर्योधन के इतिहास देखा। कहने के कन्हैया का गंदा है। भगवान कृष्ण बताओ करना चाहा द्रौपदी को और सभा में उधारी अचंभा तोड़ने का प्राण भीम किया भारी। ये पूरी प्रतीक्षा कैला और भीम बलकारी है। देखा इतिहास सारा देखा इतिहास सारा तयखी आओ भारी को देखा इतिहास लक्षागिरी में आग लगवा दिया। गुरु घराने का पर चल रहा शव भैया बलदाऊ कहने की बस अब बलदाऊ कहने की हम जाते हैं भैया कृष्ण तू अपन समझा। बलदाऊ हर लेना ठिठरावे चल रहे गुरु बिहारी गुरु गणेश राम लाल मोर पाका स्वर्ग प्रसाद चंद्रिका कवि और अपन का बीजा पताका हो। और अब प्रभु ताई ना देखाई जंग में अच्छा भैया संतोष भैया और अमेरिका भैया के